कहिए पिया जी। जब पिया जी कहा तो देखे हो यह तो तारा है। तारा जी? पिया जी कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ। मेरा बेटा कैसा है? वो भी ठीक है। आप सुनाइए, आप कैसे हो? कालजे को तसल्ली मिली, आज एक महीने के बाद हम मिल रहे हैं। तारा आंधे की माखी राम उड़ावे, देखे यो गड़ा मन्ने भर लिया और यो मेरे पोठा कोन्या, शायद भगवान ने तू इसलिए भेजी है। आ जरा मेरी मदद कर, इस घड़े के हाथ लगा दे, मैं सर पे धर लूंगा। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके घड़े के हाथ नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि मैं एक ब्राह्मणी के घर में नौकरी करती हूँ। अगर मैंने आपके घड़े के हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ कि मैं आपके घड़े के हाथ नहीं लगा सकती। बात तो तेरी सोड़ा ने ठीक है, तू ब्राह्मण के घर में काम करती है जी, और मैं कालिया भंगी के सुअरों को पानी पिलाते ही मटका गंदा हो गया। लेकिन अगर तू आज मेरी मदद कर देगी तो ऐसा नहीं है कि घड़े के हाथ लगाने से तू भंगी बन जाएगी, और ऐसा भी नहीं है ब्राह्मण के घर नौकरी करके तू छत्रानी नहीं रही। तारा किसी की मदद करना ये सबसे बड़ा धर्म होता है, मैं तो तेरा धर्म का पति हूं। लेकिन महाराज अगर मैंने आपके घड़े के हाथ लगा दिया तो वो ब्राह्मण मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल देगा, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं आपके घड़े के हाथ नहीं लगा सकती। कैसी बात करती, मेरी बात सुन। एक बैरानी घड़ा ठुआ दे, और यो जाता को न्या ठाया। क्यों कर घड़ा ठबा तू पिया जी, केवल घड़े के तो हाथ लगा नहीं लगा सकती महाराज। एक बैरानी खड़ा ठुआ दे, एक बैरानी खड़ा ठुआ दे, जाता को न ठाया। चुप कर घड़ा ठवा दियो पिया जी, फिर जागी मेरी काया। चुप कर घड़ा ठुआ जान गया कि घड़ा उठाने से तू भिड़ जाएगी। तारा अगर लगता है कि तू गंदी हो जाएगी तो मेरी बात कान खोल कर सुनो। कहिए महाराज। ये नदी है, आप गंदा पाप गंदा पानी का के गंदा, सुन ये नदी है इसमें स्नान करते हैं तो लोगों के पाप तक धुल जाते हैं। अगर तू गंदी हो जा तो एक काम कर ली। क्या करूं महाराज? गड़ा ठुआ के हाथ धो लिए, गड़ा ठुआ के हाथ धो लिए, के घट जागा तेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा तू तो धर्म बिगड़ जा मेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा तू तो धर्म बिगड़ जा मेरा। ये धर्म कर्म के नेमा का मन पाट्या को ना बेरा। तू भंगी घर रहे पिया मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। तू भंगी घर रहे पिया मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। लते कपड़े को ना लाए, मन लते कपड़े को ना लाए। एक बात और बताऊं। कहिए। मन लते कपड़े को ना लाए, ना अनभंगी का खाया। एक जंग रहने से पिया जी किसने का बचाया, एक जंग रहने से पिया जी किसने का बचाया।
लेकिन मैं आपकी पत्नी तारा आपको एक विधि बता सकती हूँ जिस कारण आप इस घड़ी को आसानी से उठा सकती हो। अरे मैं तुझे सुनकर दर्द भी होगा, यो घड़ा के घड़े की जात बता। लेकिन महाराज, अरे 30 दिन का भूखा हूँ, 30 दिन का। तारा अगर मेरे शरीर में ताकत होती तो मैं क्यों तेरा धर्म भ्रष्ट करता। महाराज, मैं आपके घड़े के हाथ जरूर लगा देती अगर आप भंगी के घर ना रहते, लेकिन अब आप भंगी के घर रहते हो और मैं एक ब्राह्मण के घर रहती हूँ, मैं आपके घड़े के हाथ नहीं लगा सकती। तारा, मेरा जाथर थोड़ा पोछा ज्यादा, जाथर थोड़ा पोछा ज्यादा, क्यों कर घड़ा उठा ले। एक विधि तने और बताओ, बेशक से अजमाले। एक विधि तने और बताओ, बेशक से अजमाले। कौन सी विधि बतावेगी, चल वो भी भ्रम मिटा ले। चल में को तमार पिया जी नीची नाल झुका ले। चल में को तमार पिया जी नीची नाल झुका ले। वाह तारा वाह, जल में को तमारू जी नीची नाल झुका लू जी, मटके को घड़े को नीचे कर लू बिल्कुल और फिर ठा लू जी। न्यू क्यों ना कहते साफ साफ परिश्रम, तुम मर जा। लेकिन पिया जी, मेरे में जात थर नहीं है, मैं गड़े को सर पे धर के पानी में बढ़ूंगा और मैं नीची नाड करूंगा, गुच्छक मारूंगा, मेरे पे उठा को न जा, मैं डूब के नहीं मर जाऊंगा। क्या आपको एक बार की बात समझ में नहीं आती, जब मैंने आपको मना कर दिया कि मैं आपके घड़े के हाथ नहीं लगा सकती, तो आप बार बार मुझसे ये क्यों कहते हो कि तारा मेरे घड़े के हाथ लगा दे। धमका ले धमका ले धमका ले, अरे तेरा पासा जीत में है, तू बामणी बन गई, मैं बंगी बन गया। नहीं महाराज, सब समय की बात है, ये जो हमारी हालत हुई है ना, सब आपके कारण हुई है। अगर आप ऐसा ना करते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। तो तारा, मैं अपने धर्म को छोड़ देता तो मैं भी अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती। तो क्या तेरा धर्म नहीं, मैं तेरा पति हूँ। आप मेरे पति थे, अब मेरे पति नहीं, आप एक कालिया भंगी हो। अब मैं मर गया। नहीं मरे, लेकिन मैं अपने धर्म पर अड़िग हूँ। तोते किसी किस्म की, देख अपना टेम आया, ताज बामनी बन गई। जल में गोता मारने का तने ठीक ना जतन बनाया, और तले नहीं हो के ठाले, क्यों इतना घबराया, और तले नहीं हो के ठाले। घड़े के हाथ नहीं लगा सकती। अरे लगा दे। नहीं महाराज, सारा लगा दे। नहीं लगा सकती। हाथ धो लिए, अरे हाथ धो लिए, पैर धो लिए, और नहा लिए जल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरी आई नहीं। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में, उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। ये समय समय के खेल बा,
चलती फिरती छाया, कहे सुनी कि ना मानी तने राजपाट ठुकराया। माथे का सिंदूर पूछ देना, सोच लेना हरिश्चंद्र मर गया। ऐसी बात मत कहिए महाराज। अरे उस लुगाई का के फायदा, अरे जो मौके पे मदद धनी की ना करे ऐसी तो मर जाए, मैं खुद मर जाऊं। मैं आपकी मदद कर देती महाराज, लेकिन किसी ने कहा है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। अच्छा। जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है मजबूरियों से गुजरना, लेकिन महाराज ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। मैं आज बहुत मजबूर हूँ, मैं आपके घर के हाथ लगाना तो चाहती हूँ पर लगा नहीं सकती। शानी मजबूर तो कौन है, अब तो शेरो शायरी कर रही है। हर मैं भूखा प्यासा मानस, मजबूर तो मैं हूँ। तो महाराज मैं भी मजबूर हूँ। या तो घड़े का हाथ लगा, नहीं तो आज के बाद तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। नहीं लगा सकती महाराज, नहीं लगा सकती। सत का बंधन जीव के जुम्मे, सत का बंधन जीव के जुम्मे, जन्म ले मते ही हो जा। सोच समझ के बोली सजन तू, कुकरम के फल भोज जा। सोच समझ और हमें काटे बोझा, उस मानस का की कर ले जो वक्त पड़े पर सोचा। उस मानस का की कर ले जो वक्त पड़े पर सोचा। गुरु मान सिंह दुख विपता का, गुरु मान सिंह दुख विपता का, जन कितना समय बकाया। लक्ष्मी चंद ने भजन के माली। हाँ। मेरा नाम रोहतास है। रोहतास? हाँ। अच्छा, फिर मैं इधर फूल तोड़ने के लिए आया था। अच्छा। अभी एकदम से ऐसे एक झटका सा मेरे शरीर में लगा, मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी सर्प ने मुझे डस लिया। अच्छा, तेरे मुंह में नीले नीले झाग है। हाँ। बेटा तू सांप ने खा लिया, अपना पता बता, मैं तेरे घर वालों को जाकर पता कर दूं। माली एक काम करिए। बता के करूं? मेरी माँ ने जाके कहती। कौन है तेरी माँ, अपनी बात खोल के बता। ए रची सलागरी चस चस होरी, रे कोई गात बोचियो मेरा। ए रची तेजी पे आ जागी मेरी मान करते, मेरा रे मान करते मेरा। हर चीज लागरी चस चस होरी, कोई गात बोच दर तेरा। जी तेजी पे मालिक
बेला के बात कही एक बता जल्दी बता टेम को ले फुल्ला मैं ते सर पलकड़ के तेरे बेटे के लड़ गया एक मिनट भी वो खड़ा रहा ना गैल जमी पे पड़ गया विसियर बेरी डंक मार के गैल बिड़े में बड़ गया कोई सुनने आला सुनता होते मेरा दम लगड़ गया रे मेरा दम लगड़ गया ये रही एक दम जड़ गया नूर बदन का एक दम जड़ गया नूर बदन का मेरा फीका पड़ गया चेहरा जीते जी पे आलेगी मेरी माने करियो मेरा रे माने करियो मेरा तेरी माँ का के नाम बेटा मेरी माँ का नाम के है तारा नाम है मेरी माँ का बेटा न्यू बता कहाँ रहे के करे किस जाके कहूँगा पूरी खोल के बात बता मेरी माँ एक पंडित जी के घर में नौकरी करा कर वा दुखिया कंगाल रहे से रामलाल की दासी कहते पहलम मैं दुखिया कुछ ते पहलम वा दुखिया कुछ दई राम ने फांसी रोटी खाए पाछे कहिए ओ कद निरनाम वासी वतया वागा में टोलेगी कदे खोरे से अठमासी रे खोरे से अठमासी उठे खासी मेरा सांस रुके रे उठे खासी मेरा सांस रुके मेरा ओली अकाल वतेरा जीते जी पे आले की मेरी माने करियो मेरा रे माने करियो मेरा लगा तू मरेगा और मन लाग रही भूख मेरी मालन आवेगी रोटी लेके तू क्या मैं घंटे पर पाछे चला तू मरेगा जब भी तू मेरे खातर माली एक माली को नाज तू ऋषि समान है ऋषि बराबर है तू मेरे खातर भगवान समान है वो एक घंटे बाद मत जी अभी चला जा के करूं ये रतावल कर के जाइए ऋषि जो तेरी पार बसावे जहर कसाई मेरी काया के माँ दूना चढ़ता जावे पर बोलू तो बोलिया ना जा मेरी जीब गणी तुतड़ावे रन्यू ते मेरे पक्की जरगी मेरा जीना मरने जावे रे माला फिटन तावे कौन बचावे मने काल ते कौन बचावे मने काल ते रऊ चढ़ोलिया डेरा जीवे जी पे रयालेगी मेरी माने करियो तेरा रे माने करियो मेरा इतनी बात कह के रोहतास फटका खा के गिर जाता है मर जाता है रोहतास और वो विश्वामित्र माली के रूप में काशी में गया एक कुएं पे कई पणिहारी पानी भर रही वो तो विश्वामित्र था उसको पता था तारा भी कुआं पे पानी भर रही वहां जाके क्या कहता है विश्वामित्र सारी लुगाई होते सुनिए आखिर में क्या बताया किसे का बेटा किसे का बेटा घूरा हो वजट बागा में जाले मामा 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 कह के बिलख रया
सज्जा छाती कल्याले प्यासे के उके होठ सूकरे जाके पानी प्याले लक्ष्मी चंद मिले जाती में मरहम पट्टी करवाले रे पट्टी करवाले सीधी जाइए उड़क कनियर नीचे सीधी जाइए कनियर नीचे जित लाल पड़ा सतेरा जीते जीते किसे का बेटा खूरा हो झटबाका में जाले रोहतास नाम बतावे अपनी माँ का तारा नाम बतावे और जब तारा ने सुना तेरा छोरा रोहतास गया था सदनों छाती पाट गई रोमती रोमती भाज पड़ी और पहुंच जाती है बाग के बीच में जित वो फूल सा बालक रोहतास मरा पड़ा फूट फूट कर रोई और ऋषि माली के भेष में समझाता है कि रो मत मेरे बाग में सुनता ना कोई तेरा रोवना फिजूल है विपता की मारी तेरा ममता की भूल है खाली रह गया पिंजरा हंसा चला गया उड़ के और जाए पाछे फिर नहीं कोई आया मुड़ के पांच तत्व जुड़ के ये काया का स्थूल है सुनता ना कोई तेरा रोवना फिजूल। लोगो माली विश्वामित्र था धक्के मार मार के बोले यहां रोवराट मत बचा मेरे बाग में बाग से बाहर कर देता उस दुखिया को गोद में अपनी अपने छोरे को ले रही है बेचारे के पास कफन भी ढकने को नहीं था लेख बताते हैं केले का पत्ता तोड़ के अर्थी तुरंत बना ली रानी ठा बेटे की लाश रोमती चली पहुंच गई शाम का बखत पहुंच गई मुर्द घाट के बीच बची कुची मुर्दा की लकड़ी खट्टी करके एक चिता बना ली कितने गोसा लाई अंगार लाई अपने बेटे की चिता में वंगारी जैसी धरी थोड़ा सा धुआं उठा शाम का वक्त वो हरिश्चंद्रुसी मुरद घाट में एक कोने में राम का भजन कर रहा था दुम्मा उठता देखा पांच का आया अरे बिना दिए महसूल घाट का किसने चिता जड़ा दी हर लोगों कमाल कर दिया खुद अपने नूरे चश्मे अपने बेटे रोहतास कवर की चिता में ठक्कर मार देता है मेहरबान लोग रानी ने पहचान लिया कि ये तो तेरे पति है फूट फूट के रोने लगी क्या सवाल और जवाब हुए चलिए देख रहा हूं कि औरत मुर्द घाट में आई है यहां तो मर्द आते हैं दुखिया क्या तेरा कोई पति नहीं है तेरा घर परिवार नहीं है उनको लेके आती चलो आ भी गई तो कुछ कायदे कानून का तो पता होना चाहिए 125 और कफन ये महसूल है घाट का इस महसूल को अदा कर उसके बाद इस चिता में आग लगाना बोलती क्यों नहीं हे ईश्वर के नेक बंदे क्या आप मुझे नहीं जानते क्या आप मुझे नहीं पहचानते कौन है तू अरे मैं कोई गैर नहीं आपकी ब्यागी तारा हूं
और ये जो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, ये भी कोई गैर नहीं पिया जी, ये आपका बेटा रोता है। नहीं तारा नहीं, तू झूठ बोलती है। झूठ नहीं बोल रही महाराज, ये सतयुग है और सतयुग में बाप के सामने बेटा नहीं मरता, तारा बेटा नहीं मरता, ये कैसे हो सकता है? तारा तूने मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का ध्यान नहीं रखा। नहीं महाराज, ऐसी बात मत कहिए महाराज, तू एक अच्छी माँ नहीं निकली। नहीं, अरे एक निशानी मैंने तेरे ऊपर छोड़ी थी, तू उसको भी ठीक से नहीं रख पाई। मैं क्या करूं महाराज, आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, आप भी मेरे साथ नहीं हो। अरे मैं चाहती तो मैं जहर खा के मर जाती। नहीं तारा नहीं, अपने बेटे के साथ रोता। तारा सबर का मुक्का मार पेट में, ये तो होनी है, होनी को कौन टाल सकता है। मैं तेरे साथ हूं, चल दोनों मिलके इसका अंतिम संस्कार करेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। तारा खड़ी हो, एक काम कर, मुझे कुछ कफन के लिए कपड़ा दे दे और चार आने दे दे। लेकिन महाराज मैं चार आने और कफन कहां से लाके दूं? अगर तेरे मेरे पास तो फूटी सी कोड़ी भी नहीं है। अगर कफन नहीं है तो एक काम कर, 125 देना पड़ेगा। नहीं है महाराज। नहीं नहीं है महाराज। तारा अगर 125 नहीं है, कफन नहीं है, कहते हुए मेरी भी छाती पाटे, ये चिता इस मुर्द घाट में नहीं जल सकती। ऐसी बात मत कहिए पिया जी, ये भी तो आपका पुत्र है। अरे मैं आपकी ब्यागी तारा हूँ, आप ऐसा अन्याय नहीं कर सकते महाराज। मेरे मालिक ने ये हुक्म दिया है, 125 या कफन, महसूल देना पड़ेगा, चाहे मेरा बेटा हो चाहे कालिया भंगी का बेटा हो। नहीं महाराज, मैं आपसे कुछ फरियाद करना चाहती हूँ। तारा अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो ये मुर्द घाट में मुर्दा नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। मेरी बात सुनिए महाराज, जोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अरे कैसी रानी, किसकी रानी, तू तो मिस रानी है, मिस रानी। ऐसी बात मत कहिए महाराज। याद आया समय समय का खेल, बावड़ी ढलती फिरती छाया, अरे घाट पे समझ क्या सारी, उड़ कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अरे घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया तेरी नजर में मैं भंगी हूँ। हे नाराज न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अरे भंगी हूँ। न्यू कहती न खड़ा उठाऊं, मिस रानी सत्संगी हो। न्यू कहती न खड़ा उठाऊं, मिस रानी सत्संगी हो।
पियाला समझ रही पियाला हानी तेरी मैं हानी तेरी मैं और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं कहानी तेरी चली जाऊंगी महाराज तारा आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी जब मैं सत और धर्म पे अपने बेटे को बेच सकता हूं तुझे बेच सकता हूं खुद को बेच सकता हूं राजपाट को ठुकरा सकता हूं तो क्या आज मैं इस धर्म को छोड़ दूं तारा तू यही चाहती है कि इस बच्चे की चिता में आग लगा दीजिए जी महाराज इसकी अंत्योष्टि हो जा जी महाराज एक विधि तन्ने बताई मेरे को जल में गोता मार के पिया गड़ा ठा ले एक विधि मैं बताऊंगा ना रहेगा वास ना बजेगी बांसुरी एक काम कर इस चिता के बीच मैं भी लेट जाता हूं मारे दोनों में आग दे दे ना मैं रहूंगा ना मेरा धर्म रहेगा नहीं महाराज ऐसे शब्द अपने मुंह से मत बोलिए अरे मेरा लाल तो मुझे छोड़कर चला गया अब आप भी छोड़ के जाने की बात करते हो ये मेरा धर्म घटे पाछे मैं क्यों कर जी लूंगा नहीं महाराज ये बताइए मैं कैसे जीऊंगी अगर हो सकता हो तो मुझे कुछ जहर दे दीजिए मैं भी अपने बेटे के साथ मर जाना चाहती हूँ नहीं जीना चाहती मैं महाराज नहीं जीना चाहती बेटा तो मर गई हो तो उल्टा आवे को ना और मन जिंदा देखना चाहती है तो एक काम कर दूसरी विधि सुन इस बच्चे की लाश को उठा हर जा किसी चलते दरिया में बहा दे कहां लेके जाऊं पानी के जानवरों का भी बनाऊंगा चल पानी में बहा दे नहीं मारा तेरा यहां नहीं जलने दूंगा बार बार मत दमकाओ
खादू सुन तारा बोल अखीर मेरा चीर मेरा ले जाइए महाराज ले जाइए अपने सर का चीर अपने गले का मंगलसूत्र तारा यूं नहीं लिया जाएगा। एक औरत का मंगलसूत्र तब उतरता है जब उसका धनी मर जाता है। मैं जीते जी कैसे बर्दाश्त करूंगा, फिर अगर तू अपने गले की कंठी दे भी दे यो चीर कपड़ा दे भी दे तारा मेरे मालिक काले नगर इसका मोल 125 रुपया में नहीं मानने हो, वो कही तो सस्ता है। तो महाराज मैं कहां से लाके दूं 125 रुपया? अरे मेरे पास तो बूटी कोड़ी भी नहीं है, मैं आपको 125 रुपया और कफन कहां से लाके दूं? ये चीर ले लीजिए और मेरे बेटे को शमशान भूमि में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अभी रात को ही जाऊंगा कालिया को जगा के उससे पूछूंगा क्या ये 125 रुपया में तू कबूल करता है। अगर उसने कबूल कर लिया तुझे तेरे मरे हुए बेटे की कसम इतने चिता में आग में देना। अगर उसने कबूल कर दिया तो दोनों मिलके अंत्योष्टि करेंगे, दोनों मिलके करेंगे। चारा ने मिले जायो कंटी और यो ले जा चीर मेरा के काले को दे दू रईस में कुछ ना सा जसीर मेरा कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं निशानी तेरी मैं और घाट पे समझ गया सारी एक कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी कोई नहीं सिर्फ आप हो। वो भी सत की बात, अरे यो भी सत की बात, तब भी सत नहीं छोड़ा, आज भी हरिश्चंद्र सत नहीं छोड़ेगा। अरे कैसी बात करती है, राजपाट ठुकरा दिया, बीवी बच्चों का ठुकरा दिया, अब अंत घड़ी में आके मैं अपने सत और धर्म तक लग नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, कह दे आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या
जैसी ढालते रही ये तो जिस ढाला राखे परमेश्वर उसी ढालते रही ये तो हरदम शीश पईए तो नई बस्ती गुरु धाम जय करने हरदम शीश झुकईए तो गुरु शरण चास चाहूं गुरु शरण चाहूं सेवा ठाणी तेरी मैं ठाणी तेरी मैं और बड़ी चोट खाई बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए जवानी पे रोए मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए कहानी पे रोए कालिया भंगी हाँ हरिया आज तेरे मुर्द घाट में एक बहुत बड़ी दुखियारी आई उसके पास कफन नहीं था सवा रुपया नहीं था उसने अपने गले का मंगलसूत्र और एक चीर अपने सर की ओढ़नी चुंदड़ी ये दी है क्या आप इसे कफन और सवा रुपया में कबूल करते हो आधी रात को आकर किसका चीर ले आया हरिया तू बस है कोई इस काशी नगरी की दुखिया मैं कुछ पूछना चाहता हूँ तुझसे पूछिए भाई पूछिए अरे किसका चीर ले आया हरिया और बता मने अन्याय अरे के पूछेगा ओ काले व्यथा जाती नहीं बताई अरे किसका चीर ले आया हरिया बता मने अन्याई अरे के पूछेगा ओ काले व्यथा जाती नहीं बताई अरे किसका चीर ले आया हरिया जिसका पूत काल ने खाया भाई किस निर्भागण के घर में बता इतना टोटाया मत पूछे उस दुखिया का मन बेटा गोद खिलाया रे मत पूछे उसे दुखिया का मन बेटा गोद खिलाया किसका जिगर दुखाया हरिया किसका जिगर दुखाया हरिया गाधी बात बताई मेरी कहती पर छाती पटे और लुटकी कष्ट कमाई मेरा किसका जी ले आया हरिया सूरज छिप गया ओ काले मेरे कुल का हुआ अंधेरा और किस निर्भाग की नास बता क्यों दुखी हुआ मन तेरा सुन ले तारा का मेरी तारा का जाया रोहित रोहतास पूत थर मेरा रे तारा का जाया रोहित था मेरा तन बेरा नाथ
थके हरिया तन बेरा ना थाके हरिया जो तनक शर्म ना आई। मैं सब जानू था ओ काले रोवे थी खाट पे प्यारी हर किसका चीर लिया हरिया। भी आंसू आ गए। निबले रे हरिया कितना बड़ा जुलम कर दिया, तेरा छोरा तेरी रानी और तने उनकी अपने बेटे की लाश में ठोकर तक मार दी। हाथ जोड़ के निबले मालिक मने तेरे ही तो कहन पुगाया के बोलिया के कहानी बनी। धर्म छोड़ के मरघट का क्यों कर करता हम दर्दी। अरे बारी गलती करी तने क्यों शर्म तार के धर दी। तेरा मन तेरा कहन पुगाया रे काले इसमें के गलती कर दी रे। तेरा कहने पुगाया रे काले इसमें के गलती कर दी। और भर दी झोली पाप ते हरिया भर दी झोली पाप ते हरिया दुखिया वीर सताई। बेबस हो के ओ काले मरघट की रीत निभाई के बाजी ले आया हरिया पता मने घाट में गया। विश्वामित्र को भी दया आ जाती है हरिश्चंद्र के ऊपर, भाई यो नहीं हाल लेता लगा प्रेमियो। यहां विश्वामित्र एक योग माया बनाते, बेचारी मुर्द घाट में पड़ी थी, पति ने कसम दी मरे हुए बेटे की, इतने मैं ना हूं इतने फूक मत दियो मेहरबानो। वो छोरा तो मरा पड़ा था। विश्वामित्र काशी में जो बड़े बड़े सेठ थे, 5-7 बालक पकड़ के अरवे मार के उस दुखिया तारा के आसपास डाल दिए, तारा के मुंह के खून लगा दिया और शहर में मुनादी कर दी कि काशी नगरी में एक डायन डाकन आ रही है, बालका ने मारे है और कई बालक मार के गिरा के मुर्द घाट में बैठी है डांड। वहां के सारे सेठ मिलकर उसी समय कालिया भंगी के पास आते हैं और ये कहते हुए, कालिया तेरी ड्यूटी है मुर्द घाट की, डाकन आ रही है डान, उसको मार क्या। देखो कितनी बड़ी परीक्षा, इब डान के नाम तो कालिया भी डर गया। तेगा दिया लिकाड़ के तलवार, हरिश्चंद्र बोले हरिश्चंद्र तेरा छोरा तो बाद में फूकिए, वो डान पता नहीं कितना के बालक मार देगी। तलवार दे दी और लोगो तलवार लेके हरिया रोता रोता मन में अरे छोरे की लाश भी फूकनी है और वडाकन भी मारनी है, मुर्द घाट में आया। वडाण के वो तो बेचारी बाल खिंड रहे दुखिया, उसका के हाल हो रहा मन में सोचो जिसका छोरा मरा पड़ा है। आसपास और बच्चे मरे पड़े, दुखिया ने पता ही कौन बेसुध पड़ी है। हरिश्चंद्र ने आके तारा का हाथ लगाया, तारा के मुंह का खून लग रहा, छोमे भर के निमले रे पापन तारा तने अपना तुम बेटा मार ही दिया, अरे ये सेठों के बालक भी मार दिए, तू तो बेटा खानी के तू तो बालका के खानी बन गई, तू तो सचमुच डान बन गई।
हरिश्चंद्र को लगा लगता है इसका दिमाग चल गया, अभी अपना बेटे के मरने के गम में दूसरे के बालक भी मारने लगी। लोगो तलवार ली और अपनी ब्याही तारा की गर्दन को कलम करने लगा। जो ही तलवार उठाई पीछे ताके विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बोलिए नर नारायण विष्णु भगवान की जय। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी कि हरिश्चंद्र जब तक धरती चांद सितारे धरती और आकाश रहेगा तब तक सत्यवादी हरिश्चंद्र तेरा दुनिया में नाम रहेगा, नाम रहेगा। के कहानी विष्णु भगवान ने कही है। के कही छाती पाड़ के धरी तने हाय पत्थर का दिल करी के। समसाना का नेम निभाया मन संकट में डर डरे के। अरे मरे पुत की लाश देख के रोया ना आहे भर के। सत के कारण सत के कारण सृष्टि ते पेंडा छूटेगा और मर के रे। सत के कारण सृष्टि से पेंडा छूटेगा मर के। उस परमेश्वर के न्या को न्या हाय परमेश्वर के न्या को न्या तार तरम की राही। ऋषि पाल कहे सरस्वती माँ ऋषि पाल कहे सरस्वती करियो सदा सहाई।